आगरा में ताजमहल के अलावा भी कई चीजें हैं जो देखने लायक हैं, जैसे आगरा फोर्ट यानी रेड फोर्ट। आगरा फोर्ट यहाँ की महत्वपूर्ण इमारतों में से एक है। इसका निर्माण 1565 में मुगल सम्राट अकबर ने करवाया था। स्थापत्य कला का ये बेजोड़ नमूना लाल पत्थरों से निर्मित है। इसमें जहांगीर महल दीवाने खास भी बना है, जो खूबसूरत शीश महल के रूप में प्रचलित है। दूसरा है फतेहपुर सीकरी। आगरा से लगभग 35 किलोमीटर दूर स्थित इस स्थान को अकबर ने अपनी राजधानी बनाया था, जो स्थापत्य कला की बेजोड़ कलाओं से परिपूर्ण है। तीसरा है मेहताब बाग। यमुना नदी के विपरीत दिशा में ताजमहल के पास ही बना हुआ है मेहताब बाग। कई तरह के फूलों और अनेक पेड़ पौधों से सुसज्जित होने के कारण विदेशी सैलानियों को काफी लुभाता है ये। चौथा है रामबाग। रामबाग को बाबर ने 1528 ईस्वी में बनवाया था। ये ताजमहल के उत्तरी भाग में 2.5 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसे मुगलों द्वारा निर्मित सबसे पुराने बागों में से एक माना जाता है। पांचवा है जामा मस्जिद। शाहजहां की बेटी जहांआरा बेगम की याद में 1648 ईस्वी में बनवाई गई थी ये जामा मस्जिद। बड़ी ही खूबसूरती से इसके गुंबद भी तराशे गए हैं। इतने वर्षों बाद भी इसकी खूबसूरती जस की तस बनी हुई है। मुमताज महल और शाहजहां की कब्र ताजमहल के निचले हिस्से में आमने सामने बनी हुई है। आज भी आगरा शहर देशी विदेशी सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। खूबसूरत स्थापत्य कला में निर्मित होने की वजह से यहाँ गर्मी हो या ठंड, हर मौसम में पर्यटकों की भीड़ देखी जा सकती है। पर्यटन विभाग की ओर से प्रतिवर्ष ताज महोत्सव का आयोजन भी किया जाता है।